महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के विषय में हम सब क्या कर सकते हैं? जैसा कि अभी आपने अपने परिचय में ही बताया कि किस तरह से एक इस तरह की संस्था चलाई जा रही है जो महिलाओं को सबल बनने में, महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में एक महत्वपूर्ण योगदान कर रही है। तो हम थोड़ा ये समझने की कोशिश करेंगे, मैं अपनी बातचीत के द्वारा ये बताने की कोशिश करूंगी कि क्या क्या जो भारत के मौजूदा कानून हैं उन कानूनों में क्या क्या प्रावधान हैं, वो कानून कैसे आए हैं और उन कानूनों को लागू करने में किस किस तरह की मुश्किलें और किस किस तरह की चुनौतियां हैं जिससे कि महिलाएं सबल और सशक्त नहीं बन पा रही हैं बावजूद इसके कि कानून भी हैं और कुछ दावे भी किए जाते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस किस तरह के कानून देश के अंदर उपलब्ध हैं, वो कानून किस परिस्थिति में आ रहे हैं। जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय ये होता है कि महिला आर्थिक रूप से आजाद हो, महिला सामाजिक रूप से आजाद हो, महिला तय कर सके कि उसको जीवन कैसे जीना है। के आंदोलन के बाद से जस्टिस जे एस वर्मा कमेटी के नेतृत्व में जो कमीशन बनाया, उसने जो रिपोर्ट दी, 3 सदस्य, शिक्षा को ध्यान में रखते हुए आप वास्तविक कानूनों का कम से कम निर्माण कीजिए। अब सवाल आ जाता है कि कानून बनाना, कानून लिखवाना और उन कानूनों का अमल। सशक्तिकरण तब तक नहीं हो सकता जब तक लिखे हुए कानूनों का अमल ना किया जाए, और अमल तब तक नहीं हो सकता जब तक जिन्होंने कानून लिखे हैं उनकी जवाबदेही ना हो, जब तक पुलिस और प्रशासन जवाबदेह ना हो उन कानूनों को लागू करने वाली संस्थाओं के तौर पर, भारत के नागरिकों के तौर पर, जब तक ये प्रशासन और पुलिस जवाबदेह नहीं होगा तो ये सारे लिखे हुए कानून बेमानी हो जाते हैं। यही स्थिति हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर कानून लागू करवाना कानून लिखवाने से कहीं ज्यादा कड़वी और बहुत क्रूर लड़ाई है महिला आंदोलन को जो बार बार लड़नी पड़ती है। यानी पहले हम लिखवाएंगे, पहले हम लड़ेंगे कि ठीक है कानून लिखे जाए, और उससे भी ज्यादा कड़वी लड़ाई हमें फिर लड़नी पड़ती है कि कानून लागू किए जाए। माहौल ये बना रहे हैं कि वो तो ऑनर किलिंग का मामला है, कोई जवाबदेही नहीं होगी, किसी तरह का कोई वो प्रयास ही नहीं होगा, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कितने ही कानून लिख दिए जाएं उनकी सुरक्षा नहीं हो सकती है। यही स्थिति हम कमोबेश बाकी के मामलों में भी देखते हैं, बाकी के कानूनों में भी देखते हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का कम से कम मैं एग्जाम्पल आपके सामने जरूर रखना चाहूंगी कि अभी पिछले ही साल भारत के जो चीफ जस्टिस थे मिस्टर रंजन गोगोई, उन्हीं के ऊपर उनके जो ऑफिस में सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाली एक कर्मचारी ने एलिगेशन लगाया, और उसने उन्होंने केवल एलिगेशन नहीं लगाया, एफिडेविट लिख करके बकायदा सारे जजेस को भेजा। वो मात्र एलिगेशन नहीं था, जो भी मौजूदा कानूनों के तहत वो कानूनी तरीके से अपनी बात कहने का जो भी जरिया था उसके द्वारा उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या 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 किया गया। और उसके बाद हमारे तत्कालीन न्यायाधीश साहब जो है खुद ही अपने मामले में स्वयं ही जज बन गए वो, कि ठीक है मैंने कि कोई गलत नहीं हुआ है। तो ये हम किस तरह से न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले में तो हमने यहाँ तक भी देखा है कि जब भी पावरफुल लोगों के खिलाफ, रूपन देओल बजाज का मामला जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, आप सबको पता होगा 1995 में ये भारत की एक आईएएस अधिकारी थी, इनके साथ एक आईपीएस केपीएस गिल साहब ने एक पार्टी में बदतमीजी की थी। इन आईएएस महिला को, सोचिए साधारण महिला के ऊपर तो क्या हो सकता है, आईएएस ऑफिसर को 7 साल लग गए एफआईआर दर्ज कराने में केपीएस गिल साहब के पास, और उसके बाद उस एफआईआर को दर्ज कराने के बाद जब लोअर कोर्ट्स में मामला चला, कन्विक्शन हुई, माना गया कि हाँ बिल्कुल इन्होंने गलती की है, उनको सजा दी गई, और वो सजा निचली अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक उस सजा को अपहेल्ड किया गया। और आप सोचिए जब उनका दोष सिद्धन जब जब उनकी कन्विक्शन को अपहेल्ड किया गया, तो जो जब सजा की बारी आई
तो उसमें जेल की सजा थी और उसमें फाइन की सजा थी। सुप्रीम कोर्ट ने, जबकि देखिए पावर लेवल पर दोनों एक जैसे हैं, न रूपन देओल बजाज को कोई पैसे की कोई जरूरत नहीं थी, रूपन देओल बजाज को पैसे की, रूपन देओल बजाज जी को पैसे की कोई जरूरत नहीं थी, और सुप्रीम कोर्ट को जबकि उनको केपीएस गिल को जेल भेजना चाहिए था, उन्होंने केवल फाइन लगा करके पूरे मामले को दुरुस्त कर दिया। तो ये भी एक बात है कि हम पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं और समाज के जो सब अंग हैं वो किस तरह से पितृसत्ता, किस तरह से वो पावरफुल पुरुषों के पक्ष में खड़े रहते हैं जब लिखवाया है। भवरी देवी के इसका क्या हुआ ये मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। तो ये कुल मिलाकर के अभी जितने भी कानून है, अभी 2005 में एक और कानून बना था, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घरेलू हिंसा कानून। घरेलू हिंसा कानून एक प्रगतिशील कानून था जिसका मुख्य मकसद ये था कि भाई ठीक है, सड़कों पर परिवारों के अंदर जो महिलाओं को घरों से निकाल दिया जाता है, उनकी पिटाई की जाती है, कोई उनको उनको घर से ही निकाल दिया जाता है, इन सब प्रोविजंस को देखते हुए, इन सब समस्याओं को देखते हुए घरेलू हिंसा कानून के अंदर ये प्रावधान किया गया कि महिला जिस भी घर में विवाहित होके जाती है उस घर के ऊपर उसका अधिकार रहेगा, वो शेयर्ड हाउस होल्ड के तौर पर उस घर में रह सकती है, उसको अपने पति से, उसको परिवारजनों से मेंटेनेंस का अधिकार रहेगा। इस तरह का ये प्रावधान घरेलू हिंसा कानून में किया गया। रेप के जो मामले आए उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मथुरा रेप केस, रमीजा भी रेप केस, इस तरह के जो पुलिस थानों के अंदर महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ, जब वो मामले, वो आदिवासी लड़कियां थी, मथुरा का जैसे मामला था, उस लड़की के मामले पर ये जजमेंट दी गई सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच से कि भाई वो लड़की तो थी ही, उसको आदत थी, क्योंकि वो आदिवासी थी इसलिए उसको तो यौन संबंधों की आदत थी, तो उसको माना ही नहीं गया कि रेप था। तब महिला आंदोलन सड़कों पर निकला और कस्टोडियल रेप के, हिरासत में बलात्कार के संदर्भ में सख्त कानूनी प्रावधानों का लिखवाना महिला आंदोलन के द्वारा तय किया गया। यही स्थिति हम देखते हैं 2012 में जब निर्भया का मामला आया, तो जब औरतें सड़कों पर निकली, जब उन्होंने कहा कि पितृसत्ता हमको मंजूर नहीं है, तब बहुत लंबे समय से जो बलात्कार के कानूनों को बदलने की बात चल रही थी, उनका जो दायरा है उसको बढ़ाने की बात चल रही थी, जब ये आंदोलन हुआ 2012 के बाद, जो 20 दिनों तक लगातार दिल्ली की सड़कों पर और देश के अंदर मूवमेंट हुआ, और इसमें दिल्ली में तो इस हद तक हुआ था कि जो राष्ट्रपति भवन है वहां पर वाटर कैनन और लाठीचार्ज हुआ प्रदर्शनकारी संगठनों पर, छात्रों पर, नौजवानों पर, तब जाकर के बलात्कार के कानूनों की परिभाषाओं को बहुत व्यापक बनाया गया। ये 2013 के बदलाव हुए, बहुत सारी लड़कियों के साथ बहुत हादसे गुजर जाने के बाद, तब ये सख्त कानून, पॉक्सो का जो कहा जाता है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये कानून बनाया गया। इसी तरह से हम देखते हैं कि 2013 में ही, आप सबको पता होना चाहिए, अभी जैसे मैंने बताया कि कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न, महिला के ऊपर हिंसा के कई रूपों में से एक हमारे समाज के अंदर जो बहुत ज्यादा चल रहा है वो है कि जब औरतें काम करने निकलती हैं तो किस किस तरीके से उनके ऊपर कार्यस्थलों पर उत्पीड़न किया जाता है। 1997 तक इसको कोई अपराध माना ही नहीं जाता था, ये माना ही नहीं जाता था कि कार्यस्थलों पर कोई हिंसा हो रही है। 1995 में जब राजस्थान के भतेरी गांव में राजस्थान सरकार का एक कार्यक्रम सखी साथिन साथिन कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें इस तरह से वॉलेंटियर्स को, स्वयंसेवी लोगों को भर्ती किया गया कि आप राजस्थान के अंदर जहां पर भी बाल विवाह, मैम मुझे क्वेश्चन पूछना था कि जैसे आजकल जो ये रेप केस हो रहे हैं वो ज्यादातर
छोटे बच्चों के साथ बहुत ज्यादा ही हो रहे हैं, क्योंकि वो जागरूक नहीं है उस चीज के प्रति। तो हम उन्हें कैसे जागरूक बनाएं इस चीज को लेके, हम उनसे कैसे बातें करें इस चीजों को लेके? आई जस्ट आंसर हर। एक्चुअली ये तो बहुत सारे, अगर हम देखेंगे गुड टच बैड टच, इस तरह से बातें बच्चों के साथ चीजें डिस्कस करनी चाहिए। ये तो है ही कि बच्चों को बताना तो चाहिए ये कि भाई क्या आपके साथ कोई भी कैसा क्या करे, ये कुछ चीजें तो है ही। बात, लेकिन मेरे को जो दिक्कत है ना, बात अवेयरनेस का नहीं है, बच्चे अवेयर होते हैं। बात ये है कि ये कौन सी संस्कृति है, इस चीज को अगर हम नहीं समझेंगे ना कि ये क्या कारण है जिसकी वजह से मतलब 90 साल की बच्ची महिला से लेकर के 6 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची, 6 महीने की बच्ची, ये कौन सी संस्कृति है जो हमारे समाज के जनमानस पर ये सोच थोप रही है कि औरतें केवल जो है वो एक एक शरीर का अंग मात्र है। आपने कहा आकांक्षा की ये अब ज्यादा होता रहा है, मेरे ख्याल से हमेशा से ही था। अब रिपोर्टिंग और मतलब क्योंकि हम इस चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, करेक्ट। आज से 30 साल पहले हम ये चीजें छुपाते थे। हमें लगता था कि लड़कियों को लगता था कि उन्हीं में कोई गलती होगी, उन्हीं को कहा जाएगा। अब बिल्कुल, लड़कियां सामने आ रही हैं, पेरेंट्स भी स्टैंड ले रहे हैं, सोसाइटी 2012 के आंदोलन ने यही किया है। कम से कम लोगों को कॉन्फिडेंस दिया है कि आके बोलो कि जो मामला हाई, ताकि आपको जो है दर्द ना हो, आपको दर्द होगा तो पूरे घर का दर्द जो है बढ़ जाएगा। आप इस तरह से जो मैसेज देते हैं एक महिला को, इंसान के स्थान पर आप केवल माँ बहन पत्नी और बीवी का जो आप एक मैसेज दे देना चाहते हैं, ये जो सोच, ये जो सामंती संस्कृति, ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनी परस संस्कृति, जो 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 तमाम विज्ञापनों के अंदर महिला का प्रदर्शन जो दिखाते हैं, आप बाइक का जो आप एड दिखाएंगे वो इसलिए नहीं दिखाएंगे कि बाइक, एक महिला बाइक चला रही है, आप ये दिखाएंगे कि एक महिला कम वस्त्रों में बाइक दिखा रही है। आपके लिए उसके देह का प्रदर्शन ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ना कि एक इंसान के तौर पर उसका डिपिक्शन। पूछना चाहूंगी कि आप लोग अगर कोई प्रश्न पूनम मैम से करना चाहें तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत विस्तृत जानकारी मैम ने आपको दी है कि जो ग्राउंड रियलिटी है हमारे समाज की, जो होता है, हम तो शायद एक केस आता है पेपर में या यूट्यूब पे देखते हैं और फिर उसको भूल जाते हैं, अपने अपने काम में लग जाते हैं। बट ये जो पैटर्न है जो हमारी सोसाइटी में है, जो जो पनप रहा है बहुत सालों से और बदल नहीं रहा है, उसमें हमारा क्या योगदान हो सकता है? हम अपनी सोच कैसे बदल सकते हैं और हम अपनी सोच बदलने के बाद अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी सोच कैसे बदल सकते हैं? इस पे हमें जरूर सोचना चाहिए और इस पे हमें कुछ ठोस कदम भी उठाने चाहिए। और शायद जब हमारे इर्द गिर्द इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हम सोचते हैं। और मुझे ये लगता है कि हमें न केवल अपनी बेटियों को पर अपने बेटों को ज्यादा सेंसिटाइज करना चाहिए, ज्यादा अवेयर करना चाहिए। साथ साथ बेटियों को तो करना ही है पर बेटों को भी करना है, क्योंकि मुझे लगता है वो ज्यादा वल्नरेबल हैं, वो ज्यादा एट रिस्क हैं, खासतौर से वो जो सही सोच रखते हैं, जो अच्छे मतलब पॉजिटिव थॉट्स के हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो पूनम जी ने अपना समय हम लोगों को दिया आज, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पे आप लोग जरूर सोचिएगा एंड हम लोगों को एक छोटी सी शुरुआत अपने एरिया में जरूर करनी चाहिए कि अगर इस तरीके की चीजें हम लोग देख रहे होते हुए, जैसे मैम ने एग्जांपल्स दिए हैं कि वॉशिंग पाउडर तो मर्द ही लाएगा, कपड़े तो महिला ही धोएगी, होता है, अच्छे अच्छे घरों में होता है, बट हमें अपना माइंडसेट बदलना शुरू करना चाहिए। और जो चीजें हमें बुरी लग रही हैं, हो सकता है हम बदल नहीं पा रहे हैं, जो चीजें हमें बुरी लग रही हैं, हमें ये प्रण लेना है कि